ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में चयन होने पर कुमारी पेपों का स्वागत। मदन माहेश्वरी के साथ सुखदेव सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बाड़मेर के धोरीमना निवासी कुमारी पेपों सुपुत्री भिकाराम प्रजापत का ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में भारत भर से पांचवी रैंक के साथ में चयन होने पर स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डूंगरपुरी मठ धोरीमना के श्री रामपुरी जी महाराज का सानिध्य रहा। समारोह में प्रजापत समाज के लोगों एवं प्रशासनिक अधिकारियों व पत्रकारों द्वारा कुमारी पेपों का शॉल उड़ाकर साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मदन माहेश्वरी ने भी कुमारी पेपों का शॉल उड़ाकर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। याद रहे कि स्कॉलरशिप के लिए पूरे भारतवर्ष में 20 जनों को दक्षिण कोरिया एवं इवा वुमेन यूनिवर्सिटी ने सिलेक्शन हुआ, जिसमें कुमारी पेपों प्रजापत ने पाँचवा स्थान हासिल किया है। अब पेपों को दक्षिण कोरिया इवान वुमेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं उसकी पढ़ाई से लेकर रहने खाने पीने तक का सारा खर्च दक्षिण कोरिया की सरकार उठाएगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रजापत कुंभार महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कानाराम एणिया, राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा गैरों देवी प्रजापति, प्रजापति युवा शक्ति संगठन जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश प्रजापत, डिस्कॉम आईएन प्रदीप चौधरी, हनुमान भक्त, बसंत प्रजापत, महेंद्र देवाशी, गणेश सेन, जोगेंद्र आचार्य सहित कई वरिष्ठजन मौजूद रहे। मारे वास्ते मन विश्वासी को नहीं कि इतना लोग मारे वास्ते आवेला और मन ई तरीके रो आभार व्यक्त मिलेला। मन जेडी थाने उम्मीद लागी भी उम्मीद उ ज्यादा करन दिखाऊला मैं और मैं देश जोरदार तालियां और अपने समाज के लिए भी मैं यूं ज्यादा बढ़िया करन दिखाऊला। जी तरीके री मने उम्मीद लागी था लोगा में कि अन्य आ जाने उम्मीद लागी कि मैं कुछ कर दिखाऊला, जरूर मैं वो करूंगा। और मारी एक ही सपनों है, वो सपनों है कि मैं मारी पिछड़ी समाज री आ रही लड़कियों को, गर्ल्स को जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को जो शिक्षा नहीं मिल रही है, मैं उनको वो शिक्षा दिलाना चाहती हूँ। हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे कि मुझे कोरिया जाने का मुझे एक मौका मिला है, वैसे ही ये भी मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है कि इतनी दूर दराज से लोग आकर, इवन कि जो मेरे समाज के दूसरे समाज के लोगों ने आकर मुझे इस तरह का सम्मान दिया, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जिस स्कॉलरशिप के जरिए जा रही हूँ वो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जिसके तहत मुझे $14,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे और ये स्कॉलरशिप 3 साल की स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए मैंने दिन रात कड़ी मेहनत लगाई और इन सब में जिसका योगदान रहा है वो सर्वश्रेष्ठ योगदान है, वो है मेरे परिवार का और उसके बाद ये पूरे समाज के 36 कौम के धर्म के लोगों का सम्मान है। उन सबके सहयोग से, उन सबके सम्मान से, उन सबके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ बढ़ी हूँ। अदरवाइज मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता।